चाहता हूँ मेरी कौम के लोग जो हैं वो गनी हो जाएं। अल्लाह हर जगह दाखिल कर ले अपने अंदर, जहां जहां दुनिया बिठाएगी अल्लाह दाखिल कर ले वहां पर। जीना सीखे उसके साथ, बातें करे उसके साथ, गिले शिकवे करे अल्लाह के साथ, दिल लगाए अल्लाह के साथ। तो जहां जहां अल्लाह आता जाएगा वहां वहां जीना सीख जाएगा इंसान तन्हाइयों में। जहां जहां अल्लाह आता जाएगा लोग उसे मार ही नहीं सकेंगे, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। अगर अल्लाह आपके साथ है, वहुआ माकुम अइना मा कुंतुम, बात खत्म हो गई। क्या मिलना क्या है इस दुनिया में, ये खत्म तो हो जानी है। लोग परेशान हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की टेंशन हैं, लोगों के दुख हैं, लोगों के गम हैं। ये सारा कुछ खत्म हो सकता है अगर हम अपने कल्ब में अल्लाह और आखरत को जगह दे दें थोड़ी सी। मैं आपको बता रहा हूं, गनी का मतलब ये है कि इंसान गनी हो जाए, मतलब मोहताज ना हो किसी चीज का, गनी हो जाए इंसान। मैं अभी एक किताब ही पढ़ रहा था इसमें तौहीद के ऊपर, अल्लाह की शान पढ़ रहा था, दुनिया के अंदर मुसलमानों का मकसद समझ रहा था। मैं तो लाइव आई नहीं रहा आजकल, मैंने कहा यार मैं जाके ना हक अदा कर दूं ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने 10-12 सफ़े पढ़े अभी, ऐसा मेरा दिल उदास हुआ अंदर से। मैं कहा यार मैं अपने आप से, मैंने कहा कि यार मैं पूरी कौम को इतना हौसला दिलाता हूँ, मेरी तकरीरों से लोग जिंदा हो जाते हैं, उनके हौसले, मैं इनको ये तो बताऊँ कि इनका मिशन क्या है, इन्होंने करना क्या है दुनिया के अंदर, ये तरक्की और कामयाबी और ताकत भी तुम्हें आ गई तो तुमने करना क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है मकसद हमारा। खुद की बड़ाई नहीं, खुद की अजमत नहीं, खुद का नाम नहीं, खुद की शोहरत नहीं,